हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SEO पाठशाला। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेटा रोबोट टैक्स। मेटा रोबोट टैक्स क्या होते हैं, कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं, तो ये सब आज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और इसका थ्योरी भी बताऊंगा कि थ्योरेटिकल डेफिनेशंस क्या होती हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटा रोबोट टैक्स की। तो अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये इंसुला पैक एक वेबसाइट है, मैंने इसका सोर्स कोड ओपन कराया है, तो जो मेटा रोबोट टैक्स होते हैं वो HTML कोडिंग में, HTML पार्ट में हेडर सेक्शन के अंदर लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हैं मेटा नेम रोबोट्स, ये मेटा रोबोट टैग्स यहाँ पे सारे इस वेबसाइट में इस पेज पे लगे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं इंडेक्स, फॉलो, मैक्स इमेज प्रव्यू, लार्ज, मैक्स स्निपेट, मैक्स वीडियो प्रव्यू, और ये हेडर पार्ट आपने देखा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके अंडर इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो हम डेफिनेशंस पे आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटा रोबोट टैग्स की। तो पहला मेटा रोबोट टैग हमारा है इंडेक्स। डेफिनेशंस के से ही आप देख सकते हैं कि दिस टैग इंडिकेट्स दैट द पेज शुड बी इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन। इट्स टिपिकली यूज व्हेन यू वांट अ पेज टू बी इंक्लूड इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। फ्रेंड, सिंपल सी बात है कि जब हम इंडेक्स टैग लगाते हैं तो इसका मतलब हमें ये होता है कि ये सीधा सीधा इंडिकेशन क्रॉलर्स को देना चाहते हैं कि भाई अगर क्रॉलर हमारे व्यू सोर्स पे आता है, हमारे कोडिंग पार्ट पे आता है, जो HTML पार्ट पे आता है क्रॉल करते हुए, तो जो बोट्स आते हैं, क्रॉल बोट्स आते हैं, वो जैसे ही देखें इंडेक्स, उनको इंडिकेशन मिल जाएगा हाँ भाई इस पेज को हमें इंडेक्स करना है। अगर उन्हें कंटेंट अप टू द मार्क लगता है जिस कीवर्ड के बेसिस पे वो वेब पेज को टारगेट किया गया है, तो इस पेज को इंडेक्स कर लेंगे। और ये उसका कोड होता है मेटा नेम रोबोट्स कॉन्टैक्ट इंडेक्स। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेटा नेम रोबोट्स कॉन्टैक्ट कॉन्टेंट इक्वल टू इंडेक्स। नेक्स्ट इज नॉन इंडेक्स। दिस टैग इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन नॉट टू इंडेक्स द पेज। इट्स यूजफुल व्हेन यू वांट टू कीप अ पेज आउट ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट। फ्रेंड्स, ये इंडेक्स का जस्ट अपोजिट है। इसमें सिंपल बात है, अगर हम नो इंडेक्स वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो हम क्रॉलर को ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि प्लीज़ इस पेज को इंडेक्स हमें नहीं करवाना। तो क्रॉलर जैसे ही मेटा रोबोट टैग्स पे आएगा, नॉन इंडेक्स देखेगा, तो वो क्रॉलिंग ही नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि हमें इंडेक्स ही नहीं कराना। तो वो सम क्रॉल इंस्ट्रक्शन लेगा कि भाई नो इंडेक्स है, तो वो वहीं से वापस चला जाएगा। सेकेंड है फॉलो। दिस टैग्स टेल्स सर्च इंजन टू फॉलो एंड क्रॉल द लिंक्स ऑन द पेज। इवन इफ पेज इज सेट टू नो इंडेक्स, सर्च इंजन विल स्टिल फॉलो द लिंक्स ऑन दैट पेज बाय डिफॉल्ट अनलेस यू स्पेसिफाई नो फॉलो। फ्रेंड्स, का कहने का मतलब ये है कि क्रॉलर आया, मान लीजिए क्रॉलर यहाँ पे आया, उसने देखा मेटा नेम रोबोट्स कॉन्टैक्ट इंडेक्स, भाई इंडेक्स है और ये फॉलो है। इस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ही कहना चाह रहा है कि दिस टैग टेल सर्च इंजन टू फॉलो एंड क्रॉल द लिंक ऑफ द पेज, कि जैसे क्रॉलर इस कोड पे जाएगा, मेटा रोबोट्स टैग देखेगा, तो वो जैसे देखेगा कि फॉलो है, तो वो उस पेज के जितने भी लिंक्स होंगे, जितने भी एंकर टेक्स्ट पे हाइपर लिंक लगे होंगे, उन सबको क्रॉल करना शुरू कर देगा और रिडायरेक्ट होगा। लेकिन आप देखिए, अगर लिखा है कि इफ़ पेज इज सेट टू नो इंडेक्स, सर्च इंजन विल स्टिल फॉलो द लिंक्स ऑन दैट पेज बाय डिफॉल्ट अनलेस यू स्पेसिफाई नो फॉलो। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो इंडेक्स लिखा है, अगर यहाँ पे नो इंडेक्स होगा तो वो इस पेज को नो इंडेक्स जरूर होगा, तो वो इस पेज को नो इंडेक्स नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ फॉलो लिखा होगा तो वो इस पेज पे जितने भी एंकर टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगे होंगे, जितने भी लिंक्स होंगे, वो उन सबको फॉलो करेगा, मतलब वो उन लिंक्स पे जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे नो इंडेक्स लिखा है, नो फॉलो नहीं लिखा। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा है वी स्टिल फॉलो द लिंक्स ऑन दैट पेज बाय डिफॉल्ट अनलेस यू स्पेसिफाई नो फॉलो, इसका मतलब सीधा सही है, अगर यहाँ पे नो फॉलो लिखा होता और यहाँ पे नो इंडेक्स होता, तो इट मीन्स ना तो वो इसको इंडेक्स कराता ना जितने भी लिंक्स हैं उन पे जाके उनको फॉलो करता। अगर यहाँ पे लिखा है इंडेक्स नो इंडेक्स फॉलो, वो फॉलो करेगा। नो इंडेक्स नो फॉलो लिखा है तो ना तो वो इंडेक्स करेगा ना वो फॉलो करेगा उन पर्टिकुलर लिंक्स को जो एक एंकर टेक्स्ट पे हाइपर लिंक लगे हुए। तो फ्रेंड्स, ये समझ आ गया होगा आपको कि नो इंडेक्स फॉलो, इंडेक्स नो इंडेक्स फॉलो, सेकंड इज नो फॉलो। दिस टैग इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन्स नॉट टू फॉलो और क्रॉल एनी लिंक्स ऑन द पेज। इट इज कॉमनली यूज व्हेन यू डोंट वांट टू पास लिंक इक्विटी पेज रैंक टू लिंक पेज। फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर टैग इंस्ट्रक्ट करता है सर्च इंजन को नॉट टू फॉलो, नो फॉलो, अगर यहाँ पे नो फॉलो लगा होता तो
क्रॉलर किसी भी लिंक पे जाके उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमें पहले ही क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई नो फॉलो, जितने भी एंकर टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगे उन पे फॉलो नहीं करना, ना उनको क्रॉल करना है, तो वो उसको फॉलो नहीं करता। एंड इट इज़ कॉमनली यूज वैन यू डोंट वॉन्ट टू पास लिंक इक्विटी पेज रैंक टू द लिंक पेज। फ्रेंड्स आप आई बटन में देख सकते हैं, जैसे मेरा लास्ट वीडियो था नो फॉलो लिंक्स और डू फॉलो लिंक्स, तो ये कहीं ना कहीं नो फॉलो लिंक्स की बात चल रही है यहाँ पे। ये अगर नो फॉलो मेटा रोबोट टैग्स है, कहीं ना कहीं नो फॉलो की बात कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ कॉमनली यूज वैन यू डोंट वॉन्ट टू पास लिंक इक्विटी। जैसे मैंने बताया था कि अगर यहाँ नो फॉलो लिखा होगा और इस पेज के अंदर जितने भी लिंक्स होंगे जो एंकर टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगे होंगे, तो हम कहीं ना कहीं अगर ये जो पॉइंट है कि डू नॉट वॉन्ट टू लिंक इक्विटी पेज रैंक, सिंपल सी बात है, अगर थर्ड पार्टी लिंक लगा होगा तो हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारी वेबसाइट का जो डीए है या पर्टिकुलर वो पीए है, पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी, वो किसी को उसका कुछ पोर्शन उसका लिंक जो कहीं पास हो। तो इसका मतलब ये यही कहना चाह रहा है, वैन यू डोंट वॉन्ट टू पास लिंक इक्विटी तब हम नो फॉलो मेटा रोबोट लगाते हैं, टैग्स लगाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है नो आर्काइव। दिस टैग प्रिवेंट सर्च इंजन फ्रॉम अ कैशिंग अ कॉपी ऑफ द इमेज। इट इज़ यूज वैन यू वॉन्ट टू प्रिवेंट सर्च इंजन फ्रॉम डिस्प्लेइंग कैश कैश वर्जन ऑफ योर कॉन्टेंट। ये इसका फ्रेंड्स टैग होगा नो आर्काइव। फ्रेंड नो आर्काइव टैग्स क्या होता है कि ये ऑफ पेज, अगर मेरे अगर कोई ये वीडियो अगर कोई ऑफ पेज एक्टिविटी वाला पर्सन जो कि बिगनर है, अगर वो ये ध्यान से देख रहा हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक लिंक है कहीं ना कहीं, अभी हम नो आर्काइव मेटा रोबोट टैग की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए हेल्पफुल ये इस पॉइंट से होगा कि मान लीजिए हम किसी वेबसाइट को अगर सोच रहे हैं कि इस वेबसाइट पे हम क्लासिफाइड या कोई भी ऑफ पेज एक्टिविटी लाइक बुक मार्किंग करें या इमेज सबमिशन करें, वीडियो सबमिशन करें, लेकिन हमें एक कैशे वर्जन उसका चेक कर लेना चाहिए। लाइक फ्रेंड्स मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, कैशे कॉलन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज इट इज अपियर 2 अक्टूबर 2023 21:14:44। इट मीन्स कि ये 2 अक्टूबर को इस वेब पेज का एक स्क्रीनशॉट गूगल ने ले के रखा हुआ है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि पर कल ही क्रॉलर इस वेबसाइट पे विजिट करके गया है। तो आप ऐसी वेबसाइट पे तो बैकलिंक बनाना नहीं चाहेंगे कि जहाँ पे 6 महीने पहले क्रॉलर ने लास्ट विजिट करी हो, क्योंकि आप उसी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना चाहेंगे जहाँ पे हर 2 या 3 दिन में या हफ्ते में 2 से 3 बार क्रॉलर आए। अगर क्रॉलर आएगा आपके बैकलिंक्स जो आपने बनाए हैं उन लिंक्स को क्रॉल करेगा और आपकी वेबसाइट पे जाएगा और उसे रेलिवेंसी लगेगी, तो वो आपका जो बैकलिंक होगा एक लाइव लिंक हो जाएगा जो इंडेक्स होगा कहीं ना कहीं। और जितने भी हमारे बैकलिंक्स इंडेक्स होते जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प करते हैं। अब आप ये पूछना चाहेंगे, ये आपका पॉइंट होगा कि नो आर्काइव टैग यहाँ पे क्या फंक्शन करता है। फ्रेंड्स नो आर्काइव टैग, अगर हम नो आर्काइव टैग जो लगाया जाता है ना, वो लगाया जाता है ब्लॉग्स पेज पे, आर्टिकल्स पेज पे, या उन पेजेस पे जिन पे हम इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस चेंज करते रहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम नो आर्काइव टैग नहीं लगाएंगे उस पेज पे तो होगा क्या, मान लीजिए आज 3 अक्टूबर है, आज मैंने कोई चीज़ अपनी वेबसाइट पे चेंज करी और उस पे नो आर्काइव टैग नहीं लगाया। अगर मैं नो आर्काइव टैग लगाऊंगा तो क्या होगा कि गूगल जो स्क्रीनशॉट गूगल उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने कैशे में सेव नहीं करेगा, क्योंकि कैशे में जब वो सेव कर लेगा और कोई किसी ने वो कीवर्ड सर्च पे डाला और डिज़ायर्ड रिजल्ट, गूगल उसको हमारा पेज दिखा देगा कि भाई लास्ट मैंने इस पेज पे लास्ट 24 घंटे पहले 2 अक्टूबर को विजिट करा था, तो ये जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू दैट वेब पेज अप टू द मार्क है और मैं उसको सर्च में वो रिजल्ट दिखा देता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेब पेज का लिंक। लेकिन अगर हम नो आर्काइव टैग लगा देंगे और आज 3 अक्टूबर है, मान लीजिए हमने कुछ चेंजेस करे, आज हमने कुछ चेंजेस करे और अगर आर्काइव टैग इसमें लगा होता तो होता क्या, आज का तो वो दिखाता ही नहीं, आज जो भी चेंजेस करे वो इस वेब पेज के नहीं दिखाता, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये स्क्रीनशॉट 2 अक्टूबर का लेके रखा है। तो वो क्या होता है, ट्रैफिक या जो भी यूज़र आता वो उसे नॉन अपडेटेड रिजल्ट दिखाता, वो रिजल्ट नहीं दिखाता जो तो जो 3 अक्टूबर को हमने चेंजेस करके रखे हैं। इसलिए जब भी हम किसी वेब पेजेस में नॉन आर्काइव टैग लगाते हैं, मैंने आपको बताया ये ब्लॉग सेक्शन में लगता है, आर्टिकल पेजेस पे लगता है, या उन वेब पेजेस पे लगता है, या आप कह सकते हैं उन प्रोडक्ट पेजेस पे भी लगता होगा जो रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। मान लीजिए कि किसी हम वेबसाइट पे गए, कोई मोबाइल के कैटलॉग
अपडेट हुए हैं। कल हमने देखा कि भाई जैसे सैमसंग की एस सीरीज आई, ए सीरीज आई, उसका कोई एक फ़ोन था जो कल तक अपडेट नहीं था लेकिन आज अपडेट हुआ। लेकिन जब अगर उस पर अर्काइव टैग लगा होगा, अगर उस पर अर्काइव टैग लगा होगा तो गूगल उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेगा मान लीजिए। लेकिन अब हम 3 अक्टूबर में वो रिजल्ट देखेंगे तो हमने कई, लेकिन हमें जो रिजल्ट दिखेगा वो 2 अक्टूबर का स्क्रीनशॉट दिखेगा, 3 अक्टूबर का अपडेटेड रिजल्ट नहीं दिखेगा जो कि अपडेट हो चुका है प्रोडक्ट लिस्ट में। तो इसलिए हम नॉन अर्काइव टैग लगाएंगे ताकि गूगल हमारे उस पर्टिकुलर पेज का को अपने कैशे में सेव ना करे, क्योंकि अगर वो उसे सेव कर लेगा तो वो ओल्ड रिजल्ट दिखाएगा 3 अक्टूबर में, 2 अक्टूबर का। अब क्या पता हमने 3 अक्टूबर में कुछ उस पेजेस में, ब्लॉग्स में, आर्टिकल में, प्रोडक्ट लिस्टिंग में कुछ चेंजेस करे हो। इसलिए नॉन अर्काइव टैग लगाया जाता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे अपडेटेड रिजल्ट दिखें सर्च पे, ना कि सेव रिजल्ट 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले। कई कई बार फ्रेंड्स ये तो आज 3 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है। कई कई बार ये होता है कि यहाँ पे जो लास्ट स्क्रीनशॉट लिया जाता है या जो स्नैपशॉट लिया जाता है ये 15 सितंबर का भी हो सकता है, 15 जुलाई का भी हो सकता है, 15 अगस्त का भी हो सकता है। तो इसलिए अब आपको समझ आ गया होगा नॉन अर्काइव टैग क्यों लगाया जाता है। नेक्स्ट इज नो स्निपेट टैग। दिस टैग टेल सर्च इंजन्स नॉट टू डिस्प्ले अ स्निपेट और डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज इन सर्च रिजल्ट। इट कैन बी यूज टू कीप पेजेस कंटेंट हिडन फ्रॉम सर्च रिजल्ट। फ्रेंड स्निपेट्स लाइक एक रिच स्निपेट्स होते हैं, एक फीचर स्निपेट्स होते हैं। रिच स्निपेट्स क्या होते हैं हमारे, अगर कोई हमारी कुकिंग की वेबसाइट है तो उसमें रेसिपी हो गई, कोई जैसे बुक माई शो की बुकिंग की वेबसाइट है तो उसमें रिव्यू रेटिंग्स के आपने देखे होंगे कि एडिशनल आ रहे होते हैं जस्ट लाइक दिस। फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं बुक माई शो का, जैसे यहाँ पे एक है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ हैं, तो ये एक रिच स्निपेट्स करके आ गए। तो ये हमारे रिच स्निपेट हो गए। अगर हम चाहते हैं कि सर्च रिजल्ट पे हमारे ये रिच स्निपेट ना दिखें तो अगर हम ये टैग लगा देंगे तो सिंपल हमारा सर्च में केवल टाइटल और डिस्क्रिप्शन आएगा, जस्ट लाइक टाइटल और डिस्क्रिप्शन आएगा, ये रिच स्निपेट्स नहीं आएंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं ये हिडन रहें सर्च पे। नो इमेज इंडेक्स चेक्स। दिस टैग प्रिवेंट सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग इमेजेस ऑन द पेज। इट इज यूज वैन यू वॉन्ट टू एक्सक्लूड इमेजेस फ्रॉम इमेज सर्च रिजल्ट लाइक मेटा नेम, रोबोट्स, कॉन्टेंट, नो इमेज। फ्रेंड्स इसका इस पॉइंट का, इस टैग का मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए ये एक वेब पेज है, फ्रेंड्स देखिए ये वेब पेज है और इस पेज को हम इंडेक्स करना चाहते हैं, लेकिन अगर इसमें हम नो इमेज इंडेक्स लगा देंगे तो इस पेज पे जो इमेज हैं वो इंडेक्स नहीं होंगी, वो कहीं ना कहीं सर्च रिजल्ट में आपको नहीं दिखेंगी। जस्ट लाइक दिस कि जैसे आपने कभी कोई रिजल्ट देखे होंगे, जैसे मैं इंसुला पे किसी की बात करता हूँ इसी वेबसाइट की, और मैं इमेजेस पे गया तो आप देख सकते हैं जो वेब पेज पे कहीं ना कहीं इमेजेस थी ये आपको इमेजेस सेक्शन में दिख रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन अगर हम नो इमेज इंडेक्स का मेटा रोबोट टैग लगा देंगे तो हमारी इमेज इंडेक्स नहीं होंगी। लास्ट जो मेटा रोबोट टैग है वो है दिस इज अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ स्पेसिफाइंग नो इंडेक्स, नो फॉलो, नो आर्काइव, नो स्निपेट, नो इमेज इंडेक्स ऑल एट वंस। इट इज़ यूज वैन यू वॉन्ट टू एक्सक्लूड द पेज फ्रॉम सर्च रिजल्ट एंड प्रिवेंट वेरियस फ्रॉम इंडेक्सिंग एंड कैशिंग। फ्रेंड्स ये नन मेटा रोबोट टैग तब लगता है जब हम चाहते हैं कि या तो हम नन लिख दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ना तो उस पेज को इंडेक्स किया जाए, ना उस पर जितने भी लिंक्स उन्हें फॉलो किया जाए, ना उन्हें अर्काइव किया जाए, ना स्निपेट हो, ना इमेज इंडेक्स हो, ऑल एट वंस। ये फ्रेंड्स हम ये नन टैग तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारा कोई पेज एक कंस्ट्रक्शन में हो या डेवलपमेंट फेज में हो, या कई बार स्टेजिंग वेबसाइट्स होती हैं जिसको हम चाहते हैं वो इंडेक्स भी ना हो, ना इंडेक्स हो, ना उन पे जो क्रॉलर जाए तो नो फॉलो करे, नो अर्काइव, नो स्निपेट, नो इमेज। मतलब हम चाहते हैं कि जब तक वो प्रॉपर वेब पेज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू आर
फुलफिलमेंट जो हम चाहते हैं, हमारे लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं प्रिपेयर हो जाता, तो वो सर्च इंजन रिजल्ट में इंडेक्स ना हो, वो दिखे ही ना। तो फ्रेंड्स, ये सारे मेटा रोबोट टैक्स थे। आई होप आपको जितना मैंने बताया उतनी चीज़ें समझ आई हों। और फ्रेंड्स, अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ आपको लगती है कि आपको दोबारा मुझसे पूछनी है, या कहीं आपको कन्फ्यूज़न है जो मैंने बताया और जो आपको ऑलरेडी पता है, तो प्लीज़ मुझे भी अपडेट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।